वेलकम बैक जी नाजरीन, हम ब्रेक से वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं हमारा शो वीकेंड शाइन विद एनीशा। और अब ब्रेक से वापसी पे हम जाएंगे पैकेज की जानिब, पैकेज देखते हैं और वापस आते हैं। टिप की दुनिया के मशहूर और मारूफ गोल्ड मेडलिस्ट होमियो डॉक्टर हकीम फहीम अरसा दराज से दुबई और कराची में अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं। तमाम जिस्मानी बीमारियों का मुकम्मल इलाज सिर्फ और सिर्फ तिब्बे नबवी और नादर और नायाब जड़ी बूटियों से किया जाता है। शुगर का इलाज गारंटी असली जड़ी बूटियां जो अपने हाथ से निकाली गई हैं उनसे करते हैं। यही वजह है कि उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं। आप चाहें तो एक हफ्ता दवा खाकर आजमा लें। एक हफ्ते में आपकी अंग्रेजी अद्वियात इंसुलिन बंद हो जाएगी और शुगर कंट्रोल हो जाएगी। 3 महीने की आप हमारी दवा इस्तेमाल करें, आपकी शुगर हमेशा के लिए कंट्रोल हो जाएगी। ना आपको हमारी दवा की जरूरत होगी और ना किसी और की। जी नाजरीन, आपने पैकेज देखा और हम पैकेज से वापस आ चुके हैं। डॉक्टर फहीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम बात करते हैं। जी डॉक्टर साहब, जी असल में बात ये है कि ये आपने पैकेज देखा होगा, हमारे नाजरीन ने भी। जी अल्हम्दुलिल्लाह ये पाते हैं, इसको हम दावा भी नहीं कहेंगे, गारंटी भी नहीं कहेंगे कि शिफा देने वाली जात मेरे रब की, बिल्कुल डॉक्टर फहीम या डॉक्टर फहीम की दवा का कोई किरदार नहीं है। और ये बात हम अपने तमाम उन वीडियोज में भी बताते हैं कि जो सक्सेसफुल हमारी स्टोरीज हैं जो हम शेयर करते हैं अपने सोशल मीडिया पेजेस पर, चाहे वो यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, टिकटॉक हो, स्नैप वीडियो हो, वहाँ पे भी तमाम वीडियोज में जहाँ पर डायबिटिक पेशेंट बिल्कुल केयर हो रही है, 100% के उन्हें 3 महीने हो गए, 6 महीने हो गए, शुगर का मर्ज उनका ख़त्म हो गया, अल्लाह का शुक्र है, वहाँ भी हम यही बात कहते हैं। मगर अल्हम्दुलिल्लाह जिस तरह शुरू में मैंने बड़ी डिटेल में डिस्क्राइब किया, और मैं यही चाहूँगा देखने वाले नाज़रीन जिन्होंने हमें अभी ज्वाइन किया है तो वो हमें यूट्यूब पर प्रोग्राम को दोबारा देख सकते हैं, पीछे करके दे सकते हैं, पूरा प्रोग्राम देख सकते हैं। तो ये प्रोग्राम आप लोगों की मनोवेट के लिए होता है और इसमें बड़ी अहम गुफ्तगू की जाती है जो एक आम रूटीन में नहीं सुनने को मिल रही होती है। रूटीन में ये सुनने को मिल रहा होता है कि चाहे शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, कोलेस्ट्रॉल हो, कैंसर हो, फालिज हो, थायराइड हो, किडनी डिजीज हो, आपका ये मर्ज खत्म नहीं होगा। जितने भी मूजी अमराज हैं आपको ये हो गए हैं, कब्र तक आप लेके जाने हैं। मगर हमें K21 न्यूज के प्लेटफॉर्म से उम्मीद की किरण है, एक वो इंफॉर्मेशन आपको देते हैं, वो बात आपको बताते हैं जो कि एक उम्मीद की बात होती है, एक खुशी की बात होती है, मायूसी की दुनिया से आपको निकालते हैं और आपको बताते हैं कि नबी करीम नबी अजीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब भी कोई बीमारी दुनिया में उतारी जाती है उससे पहले उसका इलाज उतारा जाता है। तो जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बात फरमा दी तो इसका मतलब है आपकी हमारी देखी, आपकी हमारी रिसर्च में, सोच में, क्वालिफिकेशन में, एजुकेशन में, तजर्बात में, तहकीकात में फर्क। अल्हम्दुलिल्लाह हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ को जब आगे रखते हैं और आगे रख के जब तहकीक और रिसर्च करते हैं तो आज अल्लाह का शुक्र है हमारे सैकड़ों मरीज डायबिटिक की लानत से छुटकारा हासिल कर चुके हैं। ये एक ऐसी ऐसी बीमारी है जो आपको अंदर से ख़त्म कर देती है, आपको अपनी फैमिली के लिए हलाल रोजगार में हासिल करने में रुकावट पैदा करती है, आपके जो एक सेक्सुअल निज़ाम है यानी वालदेन हो और मर्द हो या औरत हो, वो एक बच्चे की नेमत से बिल्कुल भी महरूम हो जाते हैं। साथ साथ आप अच्छी तरह आपका चेहरा, आपका जिस्म अपनी उम्र से तकरीबन 20% ज़्यादा लगने लगता है, आप मेहनत नहीं कर पाते, आपकी आंखें डिस्टर्ब हो जाती हैं, आपकी किडनीज डिस्टर्ब हो जाती हैं, आप अपनी लाइफ के अंदर एक अच्छी खुशगवार जिंदगी नहीं जी पाते। तो इंशाल्लाह इसके लिए हम यहाँ K21 के प्लेटफॉर्म से आपके साथ बैठते हैं, तो आप इन प्रोग्राम्स को अगर नहीं देख पाते तो फिर रिपीट देख सकते हैं। बाकी उन प्रोग्राम से भी हम लोगों से भी इबादत करेंगे कि जो कि हमसे प्रोग्राम में शामिल होना चाहते हैं, मेरे पास सोशल मीडिया पर मैसेज आ रहे हैं और मेरी टीम इस वक्त जो बैठी हुई है कॉल रिसीव करने के लिए, उनके पास मैसेजेस आ रहे हैं, उनके पास कॉल्स आ रही हैं कि वो लाइव प्रोग्राम में कॉल नहीं कर पा रहे किसी तकनीकी वजूहत के बिना पर, तो उनसे भी हम बहुत ज़्यादा माजरत करेंगे। मगर यकीन कीजिए आपके पैगाम इस वक्त हमारे जो मोबाइल नंबर है वो रिप्रेजेंटेटिव रिसीव कर रहे हैं कॉल्स, आप उस पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, आप मैसेजेस कर सकते हैं, तो आप इस मोजी मर्ज से बच सकते हैं। यही एक मैसेज था इस पैकेज के अंदर जो कि मैंने और मजीद डिटेल में आपको बताया।
बता दिया था दो बात अच्छा वहीं बताई। सर मुझे बताइएगा कि जब आप पाकिस्तान में नहीं होते तो यहाँ के जो पेशेंट है फिर उनको किस तरह से चेक करते हैं, थोड़ा सा ये बता दें ताकि ये भी पता चल जाए, क्योंकि अब तो माशाल्लाह आप पाकिस्तान को तो क्या दे, अब तो आप बहुत सारी जगहों पे हो गए ना, तो अब एक इंसान हर जगह तो एक टाइम पे मौजूद नहीं हो सकता, तो यहाँ पे क्लिनिक पे तो आप रोज नहीं बैठ सकते, तो फिर किस तरह से मैनेज हो रही है चीज़ें, जो यहाँ के पेशेंट है फिर उनको किस तरह से ट्रीट करते हैं, किस तरह से देखते हैं, वो थोड़ा सा अगर बता दें। हमने एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की एक सहूलत इस दुनिया के अंदर नई मुतारिफ कराई गई है, जदीद साइंस और जदीद दुनिया के मुताबिक। उससे हमने फायदा उठाया और ऑनलाइन का एक निजाम बनाया है कि इस वक्त जब मैं दुबई नहीं होता, जब शारजा अजमान या मदीना मक्का या जिद्दा नहीं होता, तो वहां इस फैसिलिटी को और इस जदीद चीज को हम देखते हैं। इसी तरह जब पाकिस्तान नहीं होता तो पाकिस्तान में तो बाकायदा, क्योंकि पुराना क्लिनिक है, पुराना निजाम है, वहां पे हमने एक नया निजाम मुतारिफ करवाया और वही क्लिनिक ओपीडी टाइम जो कि इस वक्त टीवी स्क्रीन पे भी आप देख रहे हैं, दोपहर 1 से 3, रात 8 से 10 ऑनलाइन क्लिनिक होती है और उसके अंदर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हम इस्तेमाल करते हैं और मरीजों को मैं खुद देखता हूँ और तमाम मामला करने के बाद उनको अद्वियात भी देते हैं और अलहमदुल्ला बहुत अच्छे उसके रिजल्ट भी आ रहे हैं, पेशेंट भी मुतमईन है, लोगों को फायदा भी हो रहा है। उसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर हम ऑनलाइन मेडिसिन का भी एक निजाम है, चाहे वो पाकिस्तान का कोना कोना हो या पूरी दुनिया में कहीं भी मेडिसिन, क्योंकि इस वक्त एक खबर मैं आपके साथ और शेयर करूंगा और आपके तवज्जो से अपने नाज़रीन के साथ, यानी जी कि जी डॉक्टर मोहम्मद तोहीन देसी हर्बलिस्ट को इस वक्त दुनिया की तकरीबन तमाम कंट्रीज के अंदर अप्रूव कर दिया गया है मेडिसिन भिजवाने के लिए, क्या बात वरना है, आपको पता माशाल्लाह। होगा कि कोविड के अंदर ये जो पाबंदियां लगी थी, खासतौर जी पर पाकिस्तान के तमाम हुक्मा हजरात पे, खासतौर पर हकीमों पे पाबंदी है अद्वियात भिजवाने की, चाहे वो गल्फ कंट्रीज हो या यूरोपियन कंट्रीज हो, मगर हमारी अद्वियात इस वक्त पूरी दुनिया में भेजी जा रही है, क्या चाहे बात वो है, गल्फ कंट्रीज हो यूरोपियन कंट्रीज हो, तो अलहमदुल्ला अद्वियात हमारी जाती है इंटरनेशनली 10 से 15 दिन में और पाकिस्तान में 1 से 2 दिन में, 24 से 48 घंटे के अंदर हमारी मेडिसिन मिल जाती है। अच्छा डॉक्टर साहब थोड़ा सा ये बताइएगा कि अमूमन पाकिस्तान की अगर मैं बात करूं तो यहाँ अगर कोई दवाई बहुत अच्छी है और उसका रिजल्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आ रहा है तो उसी की कोई कॉपी बन जाती है, तो फिर आप ऑनलाइन कभी मंगवाते हैं आपको पता बहुत सारे फ्रॉड भी हो जाते हैं, तो आपकी जो दवाइयाँ हैं फिर उसका कैसे पता चले कि भाई ये वाकई कन्फर्म ये है, क्योंकि कॉपी और ये चीज़ें तो ज़्यादा हैं पाकिस्तान में, आपको पता ही चीज़ें ज़्यादा होती हैं, तो उस हवाले से, क्योंकि काफ़ी जो हमारे हकीम हजरात हैं वो कहते हैं कि हम ऑनलाइन सिर्फ अपने ही प्लेटफॉर्म से देते हैं, हम किसी मेडिकल पे या कहीं नहीं रखवाते, इस वजह से नहीं रखवाते कि फिर इसकी नकल आ जाएगी और हमारी दवाई का वो असर नहीं होगा, फिर हमारी दवाई का वो जो एक खासियत है वो ख़त्म हो जाएगी, तो क्या कहेंगे इस हवाले से। बिल्कुल ऐसा ही है, यानी कल केपी के अंदर एक ऑपरेशन किया है आपकी अस्करी क्यादत की तरफ से, जो इस वक्त आपको पता है कि जो ऑपरेशन चल रहा है पूरे पाकिस्तान के अंदर, तो जी तकरीबन कोई एक मेडिसिन वहां से रिकवर की गई है, कुछ मेडिसिन जो कि जाली थी घरों में तैयार की जाती थी और यानी वो ऑलरेडी को कंपनी से रजिस्टर्ड थी, उसका एक नाम था, मगर उसके डिट्टो कॉपी बनाने की कोशिश की गई और वो बड़ी तादाद में रिकवर हुई है। तकरीबन 15 से 18 मेडिकल स्टोर्स और होलसेल मार्केट की दुकानों को सील किया गया केपी के में। इसी तरह कराची शहर में भी कोई एक ऑपरेशन हुआ है कल भी, जिसमें आपको पता है कि वो आंखों का एक इंजेक्शन होता है जिसकी जी ओरिजिनल कीमत 10 से 12 लाख रुपए होती है, जी तो वो सिर्फ 1200 रुपए के अंदर अवेलेबल था कराची शहर के अंदर और 15 लोगों की पिनाई चली गई वो इंजेक्शन लगाने के बाद। अब वो डेफिनेटली वो पकड़े गए, वो भी घरों में तैयार हो रहे थे इंजेक्शन, कंपनी जो घरों में इंजेक्शन तैयार हो रहे थे उसको सील कर दिया गया है, लोगों को अरेस्ट भी किया गया है, मगर डेफिनेटली वो कंपनी बदनाम होगी अल्टीमेटली जिसके नाम से ये काम हो रहा होगा। तो इन चीजों को देखते हुए फिर हम ऑनलाइन की सहूलत देते हैं कि मरीजों को डोर स्टेप पे हम दवाएं भिजवा देते हैं और अगर अर्जेंसी होती है कराची शहर जैसे में, तो वहां पे भी हमारे रिप्रेजेंटेटिव, हमारे राइडर घरों पे अद्वियात को पहुंचा देते हैं। ठीक है जी। अच्छा डॉक्टर साहब लास्ट में ये बताइएगा, ये जो कराची में एक वबा आई हुई है शुभ चश्म, वो हर इंसान अपनी आंखें लेके बैठा हुआ है,
कि आपको रेड हो गई आंखें और इतनी ज्यादा तकलीफ, उसके लिए भी कोई सुरमा वुरमा आपने रखा हुआ? आपके पास तो बड़ी जदीद किस्म की चीजें। मैं एक चीज जरूर बताना चाहूंगी डॉक्टर साहब की, पता कभी मैंने इस टॉपिक पे इनसे बात नहीं की है। एक बार ऐसे ही हमारी बात होगी तो मुझे इन्होंने बताया कि एक परफ्यूम है इनके पास, ऑयल परफ्यूम है मेरे हाल से इतर है, कि जिन हजरात में मियाँ बीवी में या किसी में मोहब्बत प्यार का एक सिलसिला होता है, अपनाइयत का, वो नहीं होता, तो वो ऑयल परफ्यूम आप लगा दें तो आपका जो पार्टनर है उसको आपसे बड़ा लगाव हो जाएगा। तो ये सुन के मुझे बड़ी हैरत भी हुई और खुशी भी हुई कि ऐसी भी चीज़ है कि अगर रिश्ते में लगाव कम हो गया तो वो लगाए। ऐसा ही है, मैं ठीक कह रही हूँ डॉक्टर साहब? बिल्कुल ऐसा ही है। असल में बात यह है कि हम लोग लकीर के फकीर हो गए। अब पुरानी जो दुनिया थी, यानी 25,000 साल से तिब नाफिस थी इस दुनिया के अंदर, 1,24,000 अंबिया इस्लाम की सुन्नत भी है तिब से इलाज, जड़ी बूटियों का इलाज। हम उसको छोड़ के जब जदीद दुनिया की तरफ गए तो सिवाय मायूसी के हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। तिब के अंदर ऐसे ऐसी जड़ी बूटियां और ऐसे ऐसे रिजल्ट्स हैं कि मैंने कई दफा प्रोग्राम में ये जिक्र किया है, एक जड़ी बूटी ऐसी है कि अगर मैं 1 ग्राम आपको दे दूं खाने में मिला के या टेस्ट करा दूं तो आपकी आवाज, आप हमेशा के लिए अपनी आवाज खो बैठेंगे। ओहो, इस तरह की और चीजें भी होती हैं। तो ये टीबी इतनी आसान नहीं है कि इसमें साइड इफेक्ट भी होते हैं। जो लोग कहते हैं कि जड़ी बूटियों के साइड इफेक्ट नहीं होते, वो भी गलत है। इसीलिए कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस शरीफ है कि जो शख्स जिस्म के आज़ा के बारे में ना जानता हो, दवा की माहियत ना जानता हो, अगर इलाज करे गोया अपना ठिकाना जहन्नुम में दे। तो इसलिए कहते हैं कि आपको उसकी पूरी नॉलेज होनी चाहिए, आप पढ़े लिखे होने चाहिए 100%। ये ना हो कि आप अताई हकीम अताई डॉक्टर बन जाए। रिजल्ट्स होते हैं तो हम प्यूटरी ग्लैंड, एक ग्लैंड है उस पर काम करती है, एक परफ्यूम है, खुशबू, कि जो आपके मूड को अच्छा करता है। तो आपने कहा कि वो आपका हस्बैंड वाइफ हो या किसी, तो वो किसी को तो मैं हजफ करना चाहूंगा। मतलब एंगेजमेंट भी हो सकती है ना किसी से, मगर पॉजिटिव पॉजिटिव एंगेजमेंट के तो जब की? तक निकाह ना हो जब तक दूर रहा जाए ज्यादा बेहतर है। बात यह कि मिस यूज उसका ना किया जाए, मिस यूज ना क्योंकि किया जब जाए बिल्कुल, आप कि आप किसी के लिए इस्तेमाल ना करें, सिर्फ अपनी बीवी और शौहर एक दूसरे के लिए इस्तेमाल करें तो आप में आपस में मोहब्बत प्यार और कुर्बत बढ़े, तो किसी के लिए आपने इस्तेमाल नहीं करनी है, ये चीज़ ठीक नहीं है, डॉक्टर साहब भी कह रहे हैं। यकीन कीजिए, यानी कि वकला हजरात बहुत ज्यादा क्वांटिटी में मुझसे वो इतर लेते हैं और वो कहते हैं डॉक्टर साहब हमारी बड़ी आसानी हो गई है कि हम जाके केस प्रोड्यूस करते हैं, सारा केस लड़ रहे होते हैं और बहुत सारे मसाइल से गुजर रहे होते हैं, तो हम जब ये इतर लगा कर उन दोनों मियाँ बीवी को बिठा देते हैं तो वो खुला हो जाती है और तलाकों से भी बच जाता है क्या केस, बात है, क्या जो बात है, तरफ जा रहे होते हैं, और बड़ी अच्छी फिर वो लोग लाइफ गुजार क्या लेते हैं। बात है, बहुत जबरदस्त, थैंक यू वेरी प्रभाव मच का डॉक्टर गुस्सा साहब। था। हमारा टाइम बिल्कुल बिल्कुल नहीं बचा क्योंकि न्यूज़ का टाइम हो जाएगा आपको पता है, और शो जो है वो लाइव है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपने इतना कीमती टाइम दिया और इतनी अच्छी बातें, टॉपिक इतना बेहतरीन लेके चले, थैंक यू वेरी मच आप हमारे साथ मौजूद रहे आज लाइव। और नाज़रीन आप देख रहे थे हमारा शो वीकेंड शाइन विद अनीशा, बहुत ज़्यादा मज़ा आया टॉपिक के हवाले से भी बात करके, और ये चीज़ भी बहुत अच्छी लगी मुझे कि जब डॉक्टर साहब से फर्स्ट टाइम मेरी बात हुई थी और उन्होंने जब कहा था ना कि ये एक इतर ऐसी है कि मतलब ये एक मोहब्बत अपनाइयत और ये सारी चीज़ें हो जाती हैं, आपको आपका पार्टनर बड़ा अच्छा लगता है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि वाकई दूरियां दिलों में बहुत ज़्यादा आ गई है, आपस में जो है वो जो मोहब्बतें हैं वो कम हो चुकी हैं, तो ऐसी अगर कोई चीज़ है तो बड़ी अट्रैक्शन मुझे नज़र आई इसमें, एक अच्छी चीज़ है बहरहाल। अच्छा, इसी के साथ साथ एक बात पे मैं अपना शो जो है उसका इख्तिताम करूँगी कि जिन लोगों के पास कुछ करने को नहीं होता, जिन लोगों के पास कुछ करने को नहीं होता या जिनको अपना काम नहीं करने आता, फिर वो दूसरों के अंदर गलतियाँ ढूंढते हैं और दूसरों को मुश्किल में डालने के लिए उनका टारगेट होता है कि बस कुछ ना कुछ ऐसा करें कि दूसरे को मुश्किल आए, और वो ये नहीं सोचते कि जब वो दूसरों के लिए मुश्किल पेश कर रहे हैं उसके लिए कोई मुश्किल नहीं आएगी, आप तो पहले भी निकम्मे थे अब तो और हो जाएंगे। थैंक यू वेरी मच, अपनी होस्ट अनिशा को दें इजाज़त, फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफिज़। हम्म।